अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआएं और उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आगे आपका दोस्त एहसन शिपवाला एक नई व्लॉग के साथ। आज के प्लान कुछ यूँ हैं, हम जा रहे हैं अकाउंट खुलवाने और कुछ शॉपिंग करने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, फैजान भाई कैसे हैं आप? चल भाई, आप कैसे हैं? चलें जी, मैं अपने व्यूवर्स को बता चुका हूँ कि आज का हमारा जो प्लान है वो अकाउंट ओपनिंग का है और साथ में कुछ शॉपिंग है, तो लेट्स सी। यहाँ पे सब कुछ लॉन्ग डिस्टेंस है, रोड जैम हो गया भाई। जस्ट इमेजिन अगर हम पाकिस्तान में होते तो क्या करते? हम ऐसे ऐसे करके उनका अरे कहना क्या चाहते हो, खाली रोड है यार, लेकिन वो आने वाला है इसलिए हम नहीं जा रहे। पाकिस्तान होता तो हम निकल जाते अब तक, क्योंकि अपना मुल्क अपना होता है। आ चुके हैं जी हम लोग बैंक के पास आ चुके हैं, तो यहाँ देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। वैसे तो हमने इंफॉर्मेशन ले ली थी वहाँ पे आलम एकेडमी में, लेकिन यहाँ भी मजीद चेक कर लेंगे। दोस्तों, बैंक में जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है बैंक अकाउंट ओपन के लिए, तो एक आपका ऑफर लेटर, दूसरा एक्सपेक्ट्रेट फॉर्म जो कि इमिग्रेशन के लिए होता है, ये दो चीज़ें चाहिए और एक इनका फॉर्म है। ये तीन चीज़ें जो हैं वो आप इसके साथ अटैच करेंगे और उसके बाद जो है वो फॉर्म फिल करके इनको दे देंगे। 10 दिन के बाद इन्होंने कहा कि 10 दिन के बाद आप आएंगे। हो सकता है गाड़ी चल जाए आगे मिल जाती है जगह। वैसे भाई यहाँ सबसे मुश्किल काम जो है ना वो पार्किंग ढूंढना है, तो लकीली घूमने फिरने के बाद हमें यहाँ पे पार्किंग मिल गई है। ये इसकी बैक साइड है फैमिली स्टोर की, ये यहाँ हमें पार्किंग मिल गई है, तो अभी जाते हैं सामान लेते हैं पूरे महीने का। आगे माह रमज़ान भी आ रहा है तो एक साथ ही पूरा जो है ना वो सामान खरीद लेंगे। तकरीबन महीना नहीं, महीना नहीं तो 15 दिन का तो खरीद ही लेंगे भाई। भाई सबसे पहले ट्रॉली लेंगे और यहाँ पर ट्रॉली लेने का एक तरीका ये है, आप ये सिक्का निकालेंगे, जैसे ये लॉक हुआ, अभी ये लॉक हुआ भाई वैसे नहीं निकलेगा। सिक्का डालेंगे आप और सिक्का भी भाई 50 वाला हो, ये सिक्का डाला और ये लॉक खुल गया, तो बस अब हम आ गए हैं अंदर। ओके जी, डन। 2 पीस हो गए हमारे हैं और ये है 6.1 रिंगर का 1 पीस। ये यहाँ से चिकन उठाई, यहाँ से जो आपको पसंद आ रहा है आपने वो बैग लिया, बैग यहाँ से लिए और उसके बाद जैसे वो सेल भाई खड़े हैं वहाँ पे, इसकी वहाँ पे जो है वो वज़न होगा, वज़न होने के बाद टैग लगेगा और फिर पैसे। ये आ गया जी हमारा नंबर, ये यहाँ रखेंगे और इधर इसका जो है वो वेट आ जाएगा। जैसे ये अभी आ गया, हमारा नंबर हो गया, हो गया, यहाँ पे ऊपर पेमेंट आई और ये अभी हम अपने वो वहाँ पे पैकिंग करवाई और फिर यहाँ पे इसकी कटिंग हो रही है। ट्रॉली में बाद में रखेंगे, पहले कटिंग करवाएंगे क्योंकि वो साबुत पीस है। फैजान साहब चिकन लेके जा रहे हैं, फैजी साहब यहाँ रखा, वहाँ पे इन्वर्ट आई और यहाँ पे इसको ये भाई ने पीसेस कर दिए हैं और ये बैग में डाल दिए। ये आ गया चिकन, यही है ना भाई? यही यही है। आलू आ गया भाई, आलू। चलो भाई क्या कह रहे हैं, चावल को क्या
हाँ भाई उठा लो ये। वो तो नहीं काला वाला है? नहीं सर, ये दो बोतलें रखी हैं। सरदार पूछ रहा था देखने के, सही है देखिएगा नजर आए तो। भाई ये जो है ना भाई, दोस्त मेरे शॉपिंग कर रहे हैं और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ट्रॉली के पास, तो ये लोग सामान ला रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सा सामान आ रहा है। सामान उठाए कि हमारी फ्रिज के अंदर जगह बन सके, ये ना खराब हो जाए और जल्दी जल्दी खत्म करना पड़े। खजूरे खड़ी के भी है यहाँ पे, तो भाई शॉपिंग हमारी चली जा रही है और बस एंड पे है। वही फ्रोजन आइटम है, फ्रोजन आइटम के बाद निकलेंगे वापस। टीम उठा ले फ्रिज में, फिर जगह हो ही जाएगी। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है भाई, आगे कोल्ड ड्रिंक भी और हम लाइन में लग चुके हैं ताकि आराम से हम लोग जो है यहाँ से जा सकें। भाई हो रहा है और कोरल, अब ये तिरुल कोरल क्या होता है हमें पता नहीं, लेकिन इसकी शक्ल अच्छी लग रही थी तो हमने ले ली है। चल चले छोड़ दूं। शॉपिंग हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है, जहाँ पे थे वहीं के वहीं खड़े हैं अभी तक, तो देखते हैं कितनी देर में बाहर जाते हैं।